हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर। आई एम प्रेमचंद यादव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। चलिए देखते हैं कि इसको एक टेबल के माध्यम से, यहाँ देखिए क्या है, एक रैखिक समीकरण है, यहाँ अनुपातों की तुलना है, यहाँ आपका आलेखी निरूपण है, बीजगणितीय व्याख्या और संगतता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह से शो करते हैं। यहाँ देखिए आपका है पहला रैखिक समीकरण युग्म, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें कंडीशन है कि यदि ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू हो जाए, यानी ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू अगर बी वन अपान बी टू हमें मिले, ठीक है, अगर ये कंडीशन मिल रहा है, इट मीन्स हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या करेंगी, आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, वो केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और जो निकाय होगा यानी समीकरण होगा दोनों, वो संगत समीकरण होगा। ओके, चलिए दूसरा कंडीशन है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, वही ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब कंडीशन है कि अगर इनका अनुपात ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू है, यानी कि ए वन अपान ए टू ये बराबर बी वन अपान बी टू और बराबर हो जाए सी वन अपान सी टू के, ये अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो इट मीन्स हम कहेंगे क्या कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब दोनों रेखाओं का अगर हम रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा केवल बनेगा। ठीक है, इस पे चाहे जो बिंदु होगा वो एक ही रेखा पर सभी बिंदु मिलेंगे। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो हल होगा वो अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हम इसे मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल भी बोलेंगे। ठीक है, और इस समीकरण का जो निकाय होगा वो क्या होगा, संगत होगा, यानी जब हल होगा तो यानी वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो इसका कंडीशन है कि अगर अनुपात ए वाला ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू और बराबर नहीं है सी वन अपान सी टू के, अगर ए कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, वो जो रेखाएं आपस में होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। अब समांतर होंगी तो इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और निकाय क्या होगा, असंगत होगा। ध्यान रखना कि जब कोई हल नहीं मिलेगा तो वो संगत जो निकाय होगा समीकरण का वो क्या होगा, असंगत होगा। अगर अनेक हल होगा तब भी संगत होगा, और यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा तब भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो जो ये टेबल है ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी इसको आपको अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेन आपका ये कंडीशन जो अनुपातों की तुलना दिया गया है, यही कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड कि हम रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी निरूपण यानी ग्राफीय विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ देखें एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है, माना लड़कियों की संख्या यक्स है तथा लड़कों की संख्या वाई है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या है कि यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या है, टेन है। टेन कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है, दस। तो दस विद्यार्थियों में कुछ लड़के भी होंगे और लड़कियाँ भी होंगी, तो लड़कियों की संख्या हमने यक्स माना, लड़कों की संख्या वाई माना, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा टेन। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा, समीकरण नंबर एक हो जाएगा। अब हमारा दूसरा कंडीशन है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो, यानी क्या है कि लड़कियों की संख्या यक्स है, लड़कों की संख्या वाई से चार अधिक है, तो वाई प्लस फोर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वाई इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। ये इक्वेशन नंबर टू, समीकरण नंबर दो। अब देखिए समीकरण एक और दो से हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारा देखिए समीकरण एक क्या है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, अगर हम इसमें समीकरण एक में एक से अगर वाई बराबर जीरो रखेंगे तो यक्स बराबर पाँच, वाई बराबर छः रखेंगे तो यक्स बराबर चार, वाई बराबर चार रखेंगे तो यक्स बराबर छः, वाई बराबर तीन रखेंगे तो यक्स बराबर सात। ये आप कुछ भी मान रख सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, समीकरण दो से अगर y बराबर दो रखते हो तो x बराबर कितना आएगा, छः। y बराबर एक रखते हो तो x बराबर कितना आएगा, पाँच। y बराबर जीरो रखते हो तो x बराबर चार। y बराबर माइनस एक रखते हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, तीन। और y बराबर अगर तीन रखते हो तो x बराबर आएगा क्या, सात। अब आप देख पा रहे हो कि समीकरण एक में भी ये सात तीन आया है और समीकरण दो में भी सात तीन आया, यानी यक्स बराबर यहाँ सात आएगा, वाई बराबर तीन, इसमें भी यक्स बराबर सात आएगा, वाई बराबर तीन, यानी इन्हीं दोनों पर बराबर हो रहा है, यानी लड़कियों की संख्या हमारा क्या आएगा, सात, और लड़कों की संख्या आएगा तीन। चलिए इसका हम ग्राफीय निरूपण देखते हैं कि हम इसको किस तरह से ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्राफ है हमारा, ग्राफ में हमने एक यक्स अक्ष लिया है, एक क्या लिया है, वाई अक्ष। अब यक्स अक्ष पे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लिया और यहाँ पे माइनस वन माइनस टू इधर लिया, और वाई अक्ष पे इधर पॉजिटिव धनात्मक होता तो एक दो तीन चार पाँच छः सात कुछ भी ऐसे जाएगा, और इधर वाई डैश की साइड में, इधर वाई डैश होगा, वाई डैश की साइड में हमारा क्या होगा, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, इस तरह से आपका होगा। ठीक है, अब देखें हमारा जो पॉइंट दिया गया था उसके उससे हम कैसे पॉइंट रखते हैं। पहला हमारा पॉइंट आया था पाँच पाँच, देखिए कितना आया था, ये पाँच पाँच आया था, तो यहाँ देखिए हमने रखा ये पाँच इधर लिया पाँच इधर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे आया, तो ये पॉइंट हमें पाँच पाँच मिला। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है देखें चार छः, तो यहाँ पे देखिए हमारा चार छः कहाँ पे आएगा, ये देखिए हमारा ये चार आया और ये छः आया, तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है छः चार, तो छः चार देखिए हमारा आएगा छः यहाँ पे और चार यहाँ पे, तो मिला छः चार। फिर हमारा नेक्स्ट है सात तीन, तो सात तीन पे देखिए यहाँ पे सात ए है और तीन ए है, तो ए पॉइंट आपका मिल जाएगा सात तीन। ठीक है, अब देखें ये जो पॉइंट मिला है इसको मिलाएंगे तो एक रेखा आपका बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये रेखा आपका इस तरह से बन गया है। ठीक है, ये पहला रेखा हमारा जो बना ये क्या होगा, यक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्राफ, दूसरे ग्राफ में देखिए क्या कह रहा है कि यक्स इक्वल टू छः वाई इक्वल टू तीन, छः दो। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिक्स ए है और टू ए है, तो पहला पॉइंट ए मिला, ए पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है फाइव वन, तो फाइव वन आपका देखिए फाइव है
और ये वन है तो ये पॉइंट दूसरा मिल गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर जीरो, तो फोर जीरो आपका यहाँ पे होगा तो यही एक्स अक्ष पे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है माइनस वन थ्री माइनस वन, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, थ्री यहाँ है माइनस वन यहाँ है तो थ्री माइनस वन ए पॉइंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका है सेवन थ्री, तो सेवन थ्री आपका पॉइंट जो मिलेगा सेवन यहाँ है और थ्री यहाँ है तो यही पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को जो आपका पॉइंट आया है इसको हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये देखिए मिलाएंगे तो ये रेखा आपका मिल जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई बराबर चार, ये रेखा मिला। अब दोनों आप रेखा देख रहे हो कि एक पॉइंट पर मिलते हैं, अब जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, वो है आपका यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। इस पॉइंट का नाम है जहाँ पे मिला है वो है सेवन और थ्री, क्या है सेवन थ्री। अब सेवन थ्री है तो इट मीन्स यही सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स बराबर कितना आया सात और वाई बराबर कितना आया तीन, यानी लड़कियों की संख्या सात आया और लड़कों की संख्या तीन आया, यही हमारा क्या होगा हल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।